लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड 2022 के चौथे संस्करण का आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है। इस बार अवार्ड समारोह में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड 14 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। लोकमत मीडिया के संपादकीय बोर्ड के चेयरमैन और राज्यसभा के पूर्व सदस्य विजय दर्दा ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। गौरतलब है कि संसद एक लोकतंत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संसद के सदस्यों को 8 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा। लोकमत संसदीय पुरस्कार समारोह में इस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजू जनता दल के मेहताब, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस नेता डेरिक ओब्रायन, भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्य, कांग्रेस की वंदना चहवान, लॉकेट चटर्जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा को शामिल किया गया है। इन सभी हस्तियों को अलग अलग क्षेत्र में अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसी दिन भारतीय लोकतंत्र परिपक्वता के करीब विषय पर लोकमत का कॉन्क्लेव भी आयोजित किया जाएगा, जो कि इसी जगह पर इसी दिन किया जाना तय किया गया है। इस दौरान कई राजनेता अपने विचार इस विषय पर रखेंगे। बता दें कि लोकमत संसदीय पुरस्कार को 2017 में सांसदों द्वारा पूरे साल किए गए रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। इससे पहले के वर्षों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और राकंपा प्रमुख शरद पवार इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण ये पिछले 2 सालों से आयोजित नहीं किया जा रहा था, क्योंकि अब कोरोना का खतरा देश में कम हो गया है, इसीलिए इस बार इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।